वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग ऐसे होने वाला है, आज हम बताने वाले हैं आपको हल्दी मेकअप। तो जो कि मेकअप में हमारी मॉडल है वो है दीपा दीदी, जो कि आप उन्हें देखते हो हमारे साथ हमेशा। तो वो बैक आ चुकी हैं मेरे पास दोबारा, जो कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम मिलते बहुत कम हैं। तो आज मैंने उन्हें इतना फोर्स करके फ़ोन कर करके, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, तो उनको इतनी ज़बरदस्ती मैंने उनको बुलाया है। तो अब मैं उनका स्टार्ट करता हूँ। और देखो फाइनली अभी गाइस हमारे पास ड्रेस का कोई ऑप्शन नहीं है, बट हमारे पास ज्वेलरी पूरी है। तो अभी ट्राई करते हैं। मैंने इन्हें दो ड्रेस दिखाई थी जो कि उनको ब्लाउज नहीं आया, तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। दीदी का साइज बहुत बढ़ता जा रहा है, मोटी होती जा रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास तो हर सारा ऑप्शन है, मेरे पास कोई भी ड्रेस आ जाती है। तो गाइस आपको दीपा दीदी से आप मिल सकते हैं। हाय गाइस, हेलो। तो आज हम आपके ऊपर हल्दी मेकअप करने वाले हैं, आप एक्साइटेड हो या नहीं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मेकअप बहुत कम करवाती हूँ, तो आज देखूंगी कि मैं कैसी लगती हूँ। तो और मेरा मेकअप कौन करने वाला है? मैं। आप सब बता सकते हो कि कौन करेगा? गाइस कमेंट करके बताना कौन कर रहा है मेकअप, वो तो ब्लॉग में आपको दिख ही जाएगा। एक ये मेरी सिस्टर है जिन्होंने चेन दिलवाई, आपको याद होगा। यहाँ पे अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे, और मैं थोड़ी एक्साइटेड ज्यादा हूँ। कर दिया। तो गाइस मैंने एली का प्रो कंसीलर यूज कर दिया है पूरे फेस पे, और अगर आप देख सकते हो देखिए कैसा लग रहा है, पूरा इक्वल टोन हो गया, कलर करेक्टर भी नहीं दिख रहा। अब हमारा अनइवन टोन नहीं दिखना चाहिए, पूरा इक्वल दिखना चाहिए। अब मैं होडा और फॉरएवर तो दोनों फाउंडेशन यूज करने वाला हूँ इनके फेस पे, क्योंकि दोनों टोन ही जाएगी, क्योंकि दोनों मैंने डार्क टोन ही लिए नॉर्मल, तो जो कि हर स्किन पे चलता है। जब मैं चुप हो जाएगा फाउंडेशन लगाया है, जो कि एक टोन उठाने के लिए लगाया है हाईलाइट के लिए। तो गाइस आप कभी भी होडा फोर्टी का फाउंडेशन यूज कर रहे हो ना, उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो वहीं की वहीं थिक हो जाता है, तो उसे जल्दी से जल्दी ब्लेंड करना, तो ताकि बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस आएगा। पूरा फेस अलग अलग लगे उससे बढ़िया अब पूरा कवर करो फेस को। तो गाइस जैसे कि आपको मैंने बताया, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में भी आपने देखा है, तो मैं लूज पाउडर से पहले ब्लशर यूज कर रहा हूँ पूरे फेस पे। स्माइल लास्ट में। तो गाइस हम कंट्रोल जो करने वाले हैं लास्ट में, क्योंकि आपकी जो ये ब्लशर है ना, इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी आएगी अगर आप लिक्विड बेस पे यूज करते हो। तो चेंज भी कर दो, थोड़ा बेबी पिंक ब्लशर है मेरा, तो थोड़ा क्यूटी क्यूटी दिखेगा। तो गाइस हमारी मॉडल बोल रही है मैं क्यूटी नहीं हूँ,
तो गाइस सब कमेंट करना इनको क्या क्यूटी है या नहीं, तो ज्यादातर रिश्ते ढूंढ देना। कभी भी बेस करने के बाद लूज पाउडर भी लगाने का है, वो तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि लूज पाउडर इसलिए लगाया जाता है ताकि फाउंडेशन हमारा लॉक हो जाए। तो गाइस कंट्रोल पैलेट जो कि आप देख सकते हैं, मैं ब्लश के बाद कंट्रोल कर रहा हूँ पाउट, और ये कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ना ऊपर का, तो उसकी बैक साइड से लेना है आपको पाउट। यहाँ पे ना एल बनाना है ये, और फिर ताकि ये पॉइंट ना डार्क ना लगे, ज्यादा हाईलाइट ना हो। बैक कुछ ओके। तो गाइस ये है जेल जो कि थ्रेडिंग जेल है, जिसके हेयर थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसको ही सेट कर देता है, तो इक्वल आ जाती है। तो सबसे पहले इसे ब्रश में करना है और फिर देन ऊपर की सेट कर देना है, तो यहाँ पर रखो और पॉइंट करना पहले नीचे से।
तो गाइस आप फाइनल लुक देख सकते हो दीदी का, आप बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। ओपन यू आईज दीदी, तो आपको कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं। दीदी आप बता सकते हो कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज आपने बिफोर आफ्टर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी को भी बुकिंग कराना हो तो आप हमें प्लीज़ DM करिए हमारे इंस्टा ID पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं आप, आइस ओपन आइस डाउन। तो दीदी का लुक आप कमेंट करके ज़रूर बताना। दीदी इधर करो फेस, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। तो आइस खोलो। तो गाइस आप पूरा लुक देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है। आइस क्लोज करो।